हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके एलेक्टेगरी। कैसे हो आप सभी? तो देखिए फ्रेंड, हम एम्स मंगलगिरी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी कि एम्स मंगलगिरी के द्वारा जो कुछ मंथ पहले ही जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी तो उसे कैंसिल कर दिया गया था। तो एक बार फिर से जो है उसी रिक्रूटमेंट को जो है दोबारा से निकाल दिया गया है एम्स मंगलगिरी के द्वारा। तो वैकेंसी आपकी कितनी आई है और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कब से आप ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो सारा का सारा डिटेल यानी सारा का सारा जो नोटिफिकेशन है हम रीड करेंगे। और जिस तरह से हर वीडियो में आपको बार बार बोला जाता है, आपसे कहा जाता है कि हर अपडेट पाने के लिए, हर न्यू अपडेट पाने के लिए, बिग अपडेट पाने के लिए और हर इनकमिंग अपडेट पाने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर बिग अपडेट आप तक समय रहते पहुँच सके और आपसे मिस न हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एम्स मंगलगिरी के द्वारा जो कि आज की डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपका, जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था वो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर 2024 यानी आज का ये नोटिस है जो कि एम्स मंगलगिरी के द्वारा जो है जारी किया गया है। तो करते हैं इसे डाउनलोड और जानते हैं कंप्लीट डिटेल को। तो फ्रेंड, नोटिफिकेशन ये आप देख सकते हैं एम्स मंगलगिरी के द्वारा 8 अक्टूबर 2024 यानी आज की डेट में ये नोटिफिकेशन आया है। कौन कौन सी वैकेंसी आपकी बारिश में रखी गई है, तो ग्रुप ए बी सी की वैकेंसी जो है आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। और कौन कौन सी वैकेंसी, किस तरह की वैकेंसी जो है दी गई है, ग्रुप ए की यदि मैं बात करूँ तो ग्रुप ए में आपकी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल फिजिक्सिस्ट, क्लिनिकल और ये आप देख सकते हैं प्रोग्रामर हो गया, यानी ये प्रोग्रामर जो है ग्रुप बी की वैकेंसी में आता है। स्टोर कीपर है, ये ग्रुप बी में आता है। जूनियर इंजीनियर की बात करूँ तो ये भी बी में आता है। तो किस कैटेगरी की आपकी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। पे लेवल क्या रहने वाला है ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। और हर वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इन्होंने दे रखा है जो कि यहाँ पर ये दिखा रखा है इन्होंने, तो आप ये देख सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी जल्दी से जो है नोटिफिकेशन को दिखाना चाहूँगा। और जो है आप जो है वीडियो को पुश करके जो है यानी आपकी जिस वैकेंसी में भी रुचि है तो दोस्तों आप जो है उसकी जानकारी वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में यानी आप जिस कैटेगरी से भी बिलोंग रखते हो तो आपकी कैटेगरी में किस वैकेंसी की कितनी वैकेंसी आपकी बार दी गई है, यानी किस पोस्ट की वैकेंसी कितनी दी गई है। तो जैसे मैं बात करूं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की तो 17 वैकेंसी जर्नल के लिए, 10 वैकेंसी ओबीसी के लिए, डब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40। और क्लर्क की यदि मैं बात करूं लोअर डिविजनल क्लर्क जिसका लेवल 2 रहेगा, ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो जर्नल के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 रहने वाली है। तो इसी तरह से हर वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि मैं बात करूं फ्रेंड, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अब की बार जो मंगलगिरी के द्वारा निकाली गई है 93 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी जो है यानी 93 वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है एम्स मंगलगिरी के द्वारा निकाली गई है। तो कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन की यदि मैं बात करूं तो 8 अक्टूबर 2024 ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इन्होंने दिखा रखा 8 अक्टूबर 2024, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 दिन आपको दिए जाएंगे और लास्ट डेट जो है ये लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ओनली ग्रुप ए पोस्ट यानी ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसकी आपको लास्ट डेट जो ये आप देख सकते हैं 21 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि जिस दिन से आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन इन यानी जैसे कि 8 अक्टूबर 2024 से लेकर आप 21 दिन इसमें जोड़ लीजिए तो जो लास्ट डेट आपके 21 दिन को मिलाकर रहने वाली है तो उस लास्ट डेट तक जो है यदि आप ग्रुप ए का एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो फॉर्म को तो आपको जो है हार्ड कॉपी जो है ये आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। तो ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जो है वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा। यहाँ आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पोस्ट नेम, यहाँ एज लिमिट, यहाँ एसेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और डिजायरेबल, तो ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जिस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है आप जो है वीडियो को पुश करके उसकी जो है क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट टू द कैंडिडेट, इसे भी आप ध्यान से इन पॉइंटों को पढ़ लीजिएगा।
तो सीटीज टेस्ट सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सीबीटी आपका कहाँ कहाँ रहेगा? विजयवाड़ा में सीबीटी आपका होगा, कोलकाता में, भोपाल में, हैदराबाद में, चेन्नई, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, रायपुर, न्यू दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, यानी ये जितनी सिटी इन्होंने दिखा रखी है, तो इन सिटी में जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, मेथड ऑफ सिलेक्शन ग्रुप ए पोस्ट कार्ड के लिए इंटरव्यू, और ग्रुप बी और सी के लिए ऑनलाइन मोड ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन ओनली रहने वाला है। एज रिलेक्शन आप देख लीजिए, ये जनरल रिलेक्शन जो है दी गई है। अप्लीकेशन फ़ीस की यदि मैं बात करूँ, अप्लीकेशन फ़ीस यूआर ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 1400 रुपये, और प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये, टोटल फ़ीस 1500 रुपये। एससी एसटी एक्स सर्विस मैन की बात करूँ, 900 रुपये, प्रोसेसिंग 100 रुपये, टोटल फ़ीस पेबल 1000 रुपये। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो फ्रेंड, मैंने स्टेप बाय स्टेप हर डिटेल आपको बता दी है। आई होप आप सभी को जो है हर तरह की डिटेल जो है समझ में आ गई होगी। और यदि अब भी आपकी इसको लेकर कुछ क्वेरी है, आपको जानना है, पूछना है इस भर्ती से रिलेटेड या अन्य भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।